अगर प्रेशर में आए तो खाना कैसे बनेगा। आप कभी भी प्रेशर में ना आए, क्योंकि अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप मैगी खाना खजाना देख लें, कुछ टिप्स ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे और खाना आसानी से बन जाएगा। तो प्रेशर कुकर का क्या काम होता है भाई? किचन के अंदर प्रेशर कुकर बहुत काम करता है, क्योंकि जल्दी खाना बन जाता है। आज की सारी रेसिपीज यानी बहुत जल्दी बन सकती हैं। जल्दी तो नहीं, थोड़ा सा समय कम हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर। अब प्रेशर कुकर में पहली जो रेसिपी है कौन सी बनाई जाए? बनाते हैं घी और चने दाल की सब्जी प्रेशर कुकर के अंदर। कैसे? सबसे पहले प्रेशर कुकर ले लिया, अब इसमें तेल, और अब क्या करना है इसके लिए हमें, इसमें जो ये दूधी है, लौकी है, घिया है, इसे हमने काटना है छील कर। बस इस तरह के पीसेस आप काट लें। अब ये जो है प्रेशर कुकर तैयार है, तेल इसमें गर्म हो चुका है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हींग डाल देते हैं, ये लीजिए, उसके बाद राई, उसके बाद जीरा, और है मेरे पास करी पत्ते इसके अंदर, इसके साथ साथ अदरक कटा हुआ और प्याज। बस प्याज को तेज आंच पर थोड़ा सा भूना, और अब ये भीगी हुई चना दाल इसके अंदर। ये चना दाल, एक काम करते हैं हरी मिर्च थोड़ी डालते हैं। हरी मिर्च जब डाल रहे हैं तो लाल मिर्च भी डाल देते हैं। ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, तो ये लीजिए, इसके साथ साथ हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं, और क्या डालें, और नमक, ये लीजिए, इसे ये हमने कर दिया मिक्स। और अब ये लौकी इसके अंदर, अब क्या करें, जरा मिक्स करते हैं। और अब क्या करना है, अब इसके अंदर ये गरम मसाला पाउडर, और इसके बाद आप थोड़ा हरा धनिया भी डाल देते हैं। सब कुछ डालें, कुछ ना भूलें, कुछ ना छोड़ें। और उसके बाद कहाँ गया ढक्कन, ये आ गया ढक्कन, इसे पकने दें। जैसे इसके अंदर सीटी बजे, आप इसकी आंच करें धीमी और करीब 5 मिनट तक पकने दें। उसके बाद बंद करें और प्रेशर कुकर में ही रहने दें करीब 10 से 15 मिनट तक, ताकि अपनी स्टीम में, अपनी भाप में ये खाना तैयार हो, जो लौकी और चना दाल है वो पक जाए। अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। कहीं ना जाएं, देखते रहें मैगी खाना खजाना। इसके लिए हमें चाहिए आधी मीडियम साइज की दूधी, घिया यानी लौकी, आधा कप चना दाल, 3 बड़े चम्मच तेल, चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा, 8 करी पत्ते, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसके लिए चने दाल को 1.5 कप पानी में करीब 1 घंटे तक भिगो कर रख दें। अब एक प्रेशर कुकर में तेल गरम करके इसमें हींग, राई, जीरा, करी पत्ते, कटा हुआ अदरक, कटी प्याज डालकर भून लें। इसमें भीगी हुई चने की दाल, कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर मिलाएं। इसके साथ इसमें कटी हुई लौकी, गरम मसाला पाउडर और कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें। अब इस पे ढक्कन लगाकर करीब 5 मिनट तक पकाएं और इसकी आंच बंद करके तब तक रखें जब तक इसमें से पूरी भाप निकल ना जाए। और इसके बाद इस प्रेशर कुक दूधी चना दाल को गर्मा गर्म परोसें।